मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये ठेका नहीं है बीजेपी का, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का ये भाषण, जिसने सोशल मीडिया से लेकर देश के कोने कोने तक लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जिस भाषण के बाद देश के गृह मंत्री को स्पीकर महोदय से संरक्षण मांगना पड़ा। नेता विपक्ष के भाषण के बीच प्रधानमंत्री को दो दो बार खड़े होकर मौन तोड़ना पड़ा। राहुल गांधी के 90 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री से लेकर मोदी सरकार की पूरी कैबिनेट, जिसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, शिवराज सिंह, किरण रिजिजू, भूपेंद्र यादव समेत तमाम सांसदों को खड़े होकर राहुल जी के भाषण में व्यवधान डालना पड़ा। राहुल गांधी जब देश के हर एक मुद्दे को अपनी आवाज दे रहे थे, डरी हुई सरकार की बौखलाहट ऐसी थी मानो सत्ता पक्ष ही सदन से वॉकआउट करने वाला है। अग्निवीर से लेकर किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी तक, पेपर लीक से लेकर माइनॉरिटीज के साथ भाजपा के अत्याचारों तक राहुल गांधी ने हर एक मुद्दा छुआ और संबंधित मंत्री खड़े होकर सरकार को बचाने में लगे। और वहीं जब राहुल गांधी मणिपुर पर बोले तो सत्ता पक्ष में सन्नाटा छा गया। जो हर बात पर पहले बबक रहे थे, मणिपुर का नाम सुनते ही उनके मुंह सिल गए। राहुल ने कहा, इस देश में डर का माहौल खत्म होना चाहिए, एजेंसियों का दुरुपयोग बंद होना चाहिए, सत्य और अहिंसा की ताकत जिससे भाजपा को हमेशा डर लगता है।